हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिरसो बोर्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है और इसके हर टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। टॉपिक है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं, इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मतलब एनवायरनमेंट में हमारे मौजूद हर वो चीज़ जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करे उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। और जो रिसोर्सेज हैं उनमें तीन स्पेशल फीचर्स होते हैं जो हर रिसोर्सेज में होना ज़रूरी है। अगर वो तीन फीचर्स उसमें नहीं होंगे तो उसे हम एक गुड रिसोर्स नहीं कह सकते। तो वो तीन फीचर्स क्या हैं? पहला तो ये कि वो एक टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसकी माइनिंग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब अब मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो अब अगर हमारे पास माइनिंग के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसे हमें गुड रिसोर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज प्रेजेंट में हमें गोल्ड को माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हैं हम, तो इसलिए गोल्ड जो है एक रिसोर्स है। और दूसरा फीचर जो है रिसोर्स का कि वो इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई रिसोर्स है तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें आउटकम अपना ज़्यादा लगा दें और इनकम हमें उससे कम हो। मतलब कोई भी रिसोर्स गुड रिसोर्स तभी कहा जाएगा जब वो हमारे लिए इकोनॉमिकली हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है कि वो हमारे लिए पब्लिक और सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, मतलब वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में इसको रिसोर्स के हम डेफिनेशन को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि रिसोर्स हम हर वो चीज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसे रिसोर्स कह सकते हैं, जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करे और वो टेक्निकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुआ है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कितने प्रकार हैं? तो रिसोर्सेज को हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज को किसी एक तरीके से उसको क्लासीफाई कर दिया गया। रिसोर्सेज को कई बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, तो चलिए हम एक एक बेसिस को पढ़ते हैं और ये बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जिस बेस पर उसको क्लासीफाई किया गया है वो है बेसिस ऑफ ऑरिजिन। मतलब उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसको किन भागों में बांटा गया है। तो उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसको दो भागों, बायोटिक और एबायोटिक में बांटा गया है। ये जो इसके क्लासिफिकेशन हैं उनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज में बांटा गया है। बायोटिक मतलब जैविक, एबायोटिक मतलब अजैविक। बायोटिक मतलब लिविंग रिसोर्सेज, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अब दूसरा जो उसका क्लासिफिकेशन है वो एग्जॉस्टिबिलिटी के क्राइटेरिया पर है, ठीक है। मतलब उस रिसोर्स को हम किस तरह से एग्जॉस्ट करते हैं, कि मतलब कैसे वो ख़त्म होता है, इसके आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और तीसरा जो है वो है ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मतलब वो जो रिसोर्स है वो किसके कंट्रोल में है, इसके आधार पर रिसोर्सेज को चार भागों में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल, ठीक है। और जो चौथा क्राइटेरिया है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर उसको चार भागों में बांटा गया है, जो है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स, ठीक है। इन चार भागों में पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स, ये चार भागों में बांटा गया है उसके डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है। तो अब इसके सारे क्लासिफिकेशन से उनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है बायोटिक रिसोर्सेज। तो वो सारे रिसोर्सेज जो कि हम अपने बायोस्फीयर, जो हम अपने जैव मंडल से प्राप्त करते हैं और उनमें जीवन हो, उनमें जान हो, उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में आएंगे हमारे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा मतलब वो सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स जो कि प्लांट से संबंधित हो, और फौना जो कि एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स से संबंधित हो, ठीक है। तो सारे लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज और लाइव स्टॉक जो हैं वो सारे हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। और वे सारे वस्तुएं जो कि नॉन लिविंग्स हैं उन्हें हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। जैसे कि जो चट्टाने हो गए, मेटल्स हो गए, ये हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं क्योंकि उनमें लाइफ नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वे रिसोर्सेज जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं फिजिकली और केमिकली उसे रिन्यू करके,
या किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से अगर हम उसे रिन्यू कर सकते हैं और उसे हम रीयूज कर सकते हैं तो उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं सोलर और वाइंड एनर्जी को, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। मतलब सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज नहीं है, तो इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। अगला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज कहते हैं जिसे हम सिर्फ एक टाइम यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो लिमिट में है, वो लिमिट में प्रेजेंट है हमारे बायोस्फीयर में, ठीक है। और वो एक बहुत ही वो ये तो है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये भी रिन्यू होते हैं, लेकिन इनके जो रिन्यू होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉसिल फ्यूल्स का बनना है तो ऐसा नहीं है कि एक बार फॉसिल फ्यूल्स बन चुके हैं और फॉसिल फ्यूल्स अब वो नहीं बन रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स बन रहे हैं लेकिन वो प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो है। एक फॉसिल फ्यूल्स को बनने में लगभग लाखों लाखों साल लग जाएंगे, इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। अब अगला जो हमारा है जो कि ऑनरशिप के आधार पर था, उसमें सबसे पहला जो था वो था इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मतलब वे सारे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल हो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स में जो मैनी फार्मर्स आ रहे हैं, मतलब जो किसानों के पास उनका जो अपना ज़मीन होता है उसके वो स्वयं के मालिक होते हैं, ठीक है, तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। या आपका घर हो गया, आपका ज़मीन हो गया, तो उसके मालिक आप स्वयं हैं, तो जो आपका मकान है और आपका ज़मीन है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं आपके लिए, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट जो उसका क्लासिफिकेशन था ऑनरशिप के आधार पर वो था कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जिन पर एक कम्युनिटी का एक मतलब उस पर एक कम्युनिटी का अधिकार है उसे कम्युनिटी सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए जो पहले के ज़माने में कुएं वगैरह हुआ होते थे तो उस पर पूरे कॉलोनी का सोसाइटी का हक होता था, तो कम्युनिटी में वो आएगा कुआ। या प्रेजेंट डे में अगर हमारे कोई टेम्पल है या मॉस्क्यू है तो उस पर भी जो सोसाइटी के सारे लोग हैं उन सबका हक है, वो सब उसमें जाके वर्शिप कर सकते हैं, तो वो भी जो है हमारा वो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स होगा, ठीक है। जैसे कि और इसमें इसके भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, जो चरवाहे की ज़मीन होती है उस पर कोई भी अपने जानवरों को ले जाकर उस पर चरा सकता है, या जो ब्यूरियल ग्राउंड्स यानी जो कब्रिस्तान है उनमें सारे जो उस सोसाइटी के सभी लोगों का हक होता है कि वो मतलब जो डेड बॉडी है उसमें दफन कर सकते हैं, ठीक है। या विलेज पॉन्ड्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, ये सभी जो है ये हमारे कम्युनिटी के अंदर आने वाले रिसोर्सेज हैं। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा वो था हमारा नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वे सारे रिसोर्सेज जिस पर हमारे गवर्नमेंट का अधिकार हो, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट का अधिकार हो, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो होगा वो हमारे टेरिटरी, जो मान लीजिए कि ये इंडिया का जो ये लोअर पोर्शन है, तो जो ये टेरिटरी के इसके आसपास जो 12.2 नॉटिकल मील का जो दूरी होता है, तो इसके अंदर जितने भी जो मिनरल्स या जो भी ऑयल रिफाइनरीज जो सब होंगे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। अब अगला जो है हमारा वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होता है उस पर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का जो है अधिकार नहीं होता। जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं इस पर लीगली किसी कंट्री का अधिकार नहीं होता। इन रिसोर्सेज के यूज़ के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, जिसके जैसे हमारा एक UNO हो गया, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं उनके मेंबर्स होते हैं, और जब किसी स्पेसिफिक कंट्री को जब किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो वो UNO से पहले परमिशन लेता है, और परमिशन मिलने के बाद वो उन इंटरनेशनल रिसोर्सेज से अपने कंट्री के लिए कुछ यूज़ कर सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे परमिशन लिया जाता है, तब जाके हम किसी इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कोई कंट्री जो है यूटिलाइज कर सकता है। अब किसी भी कंट्री की जो टेरिटोरी होती है उससे जो 200 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है उसके चारों तरफ उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, और उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो एरिया होता है उसके बाहर का जो एरिया होता है और उस एरिया में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो वो रिसोर्सेज जो कि किसी रीजन में पाए जाते हैं और उनको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन हम उसे कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ही पोटेंशियल है कि वहाँ से हम वाइंड और सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतनी डेवलप्ड भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकते। जैसे कि मान लीजिए जो अर्थ पे जो सोलर एनर्जी आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने अर्थ पे कम्प्लीटली अर्थ पे जो है वो सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं और हम कम्प्लीटली जो सन के जो एनर्जी है उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर रहे हैं।
जो सोलर पैनल्स हैं वो कहीं कहीं पर ही लगे हुए हैं, किसी पार्टिकुलर जगह पर ही लगे हुए हैं, और वहीं पर जो वहाँ की जो एनर्जी है उसे ही हम सिर्फ यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो मतलब वो हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास सोलर पैनल है, लेकिन फिर भी हम उसे कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे कहेंगे, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी, उन दोनों उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है और हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का विकास, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, यानी जो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जीवित रहने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो जो प्रकृति का जो है वो प्रकृति का जो मुफ्त का उपहार है ह्यूमन बींग्स के लिए, सारे लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। जो और ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको बहुत ही एक्सेस मात्रा में उसे यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके सामने आ सकती हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं उनके डिप्लेशन के क्या कारण हैं उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो कारण है वो है टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब हमारे सोसाइटी के जो लालची लोग हैं उनकी लालच को मिटाने के लिए, वो अपनी लालच को मिटाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनका उनका बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उससे जो है हमारे रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है। इसका दूसरा जो कारण है वो है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथों में उनका कंट्रोल होना, और इसी की वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो दो दो सेगमेंट्स में, दो भागों में बढ़ चुकी है, हैव्स एंड हैव्स नॉट। मतलब जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो वे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं वे रिच सेगमेंट पे आ जाएंगे, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो पुअर सेगमेंट में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो उसका मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो खपत है उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब जो रिच पीपल हैं वो इन रिसोर्सेज को बहुत ही एक्सेस मात्रा में यूज़ करेंगे, और जो पुअर हैं वो उनके जो लिविंग के लिए जितने जो रिसोर्सेज एकदम अनिवार्य है वो रिसोर्सेज को भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और वो उन्हें उन रिसोर्सेज के अभाव में जीना पड़ेगा, जबकि जो रिच होंगे वो उन रिसोर्सेज का वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो कारण है वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो जो ये रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर यूज़ करना, इसकी वजह से हमारे जो इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो इकोलॉजिकल क्राइसिस होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी पार्टिकुलर सोसाइटी पर नहीं पड़ते, इसका जो प्रभाव है पूरे अर्थ पर पड़ता है। मतलब सभी लोगों को इसका जो वेस्ट ऑफ जो रिसोर्सेज हैं इसका जो कुप्रभाव है वो सभी पर पड़ता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर आपने किसी रिसोर्स को वेस्ट किया तो सिर्फ आपके लिए गर्मी बढ़ेगी। जो गर्मी है वो अर्थ के जो सारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो सबके लिए बढ़ेगी। ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, तो ये सभी जो हैं ये हमारे इकोलॉजिकल क्राइसिस हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। तो रिसोर्सेज को हम सबसे पहले दो भागों में बांट सकते हैं, पहला तो है नेचुरल और दूसरा ह्यूमन। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इनको भी अगेन दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसको मैंने अभी मैंने इसको डिस्क्राइब किया तो इसको मैं फिर डिस्क्राइब नहीं कर रही। और फिर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, पहला जो है वो कंटिन्यूस ऑफ फ्लो, मतलब ये हमेशा, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, और दूसरा जो है वो है बायोलॉजिकल, मतलब लिविंग। और अगेन जो बायोलॉजिकल है इन्हें फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, पहला जो है वो नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जो प्लांट से रिलेटेड है, और दूसरा जो पार्ट जो है वो है वाइल्ड लाइफ, मतलब इसमें जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आएंगे। और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, पहला जो हमारा रिसाइक्लेबल हो गया, मतलब इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेटल्स होंगे, जब मेटल्स का जो सरफेस है जब वो डल हो जाएगा तो उसे हम पॉलिश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। या जो नॉन रिसाइकल, और उसके जो सेकेंड पार्ट है वो है नॉन रिसाइक्लेबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मतलब उसको हमने एक बार यूज़ कर लिया तो उसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि हम जनरेटर चला रहे हैं, तो जब जनरेटर में हम डीजल डाल के जब जनरेटर को चालू कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो डीजल है वो जल जाने के बाद जो धुआं बना वो फिर से डीजल बनेगा और फिर से जनरेटर चालू हो जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार जब हमने डीजल को यूज़ कर लिया तो फिर से हमें दूसरा डीजल डालना पड़ेगा, और वो जो डीजल होगा वो एक्सप्लॉयट हो चुका होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है हमारा तो ये है रिसोर्स प्लानिंग इंडिया। मतलब जो रिसोर्सेज हैं
उनके अच्छे से यूज़ के लिए, मतलब उनको लिमिट में उसके एक यूज़ के लिए जो क्या क्या प्लान्स जो हैं, क्या क्या जो स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग मैपिंग एंड क्वालिटी एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन। मतलब जो हमारे जो ये हमारे गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पर किस मात्रा में प्रेजेंट है, किस क्वालिटी में और किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उन सब के मैपिंग के द्वारा उसका उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सब ली गई है और उसके हिसाब से जो है उन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिस जहाँ पर मतलब जैसे कि जहाँ पर ये अगर हम अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा पता लगा लेंगे कि यहाँ पर जो जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर हम अपने टेक्नोलॉजी का कम्प्लीटली यूज़ करेंगे, अपने स्किल्स का और इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, जो कि जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्लान्स है उसको जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है उसके साथ जोड़ा जा चुका है। तो कोई भी कंट्री जो है वो अपने अपने नेशनल को डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज को है वो डेवलप करेगी, ठीक है। अब जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं इसके कुछ स्टेप्स क्या हैं यहाँ पे। जैसे रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट, जो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है उसे हम वेरियस रिसोर्सेज पर जो है वो उसका कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। ऐसे ऐसा है नहीं कि जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ अब हमारी कोई गवर्नमेंट है तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को बचाने का काम करेगी, हमें अपने पब्लिक लेवल पर अपने इंडिविजुअल लेवल पर जो है हमें खुद जो है रिसोर्सेज का जो है उसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उसको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। जो गांधी जी थे उन्होंने गांधी जी ने एक लाइन कहा था जो कि बहुत ही रिसोर्सेज के जो थे उनके अच्छे से उनको यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने ये लाइन कहा हुआ था उसके रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं देर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं इतने कैपेबल हैं कि जो जितने भी पीपल हैं वो सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन हमारे रिसोर्सेज इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो किसी भी एक भी व्यक्ति की लालच को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसकी इसका अर्थ जो है वो बहुत अगर गहराई तक जाए तो इसका अर्थ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो है वो हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो हमारे लैंड है वो मतलब उस लैंड का कितना परसेंटेज किस चीज़ में यूज़ है, ठीक है, मतलब उसके कितने परसेंटेज पर क्या है। जैसे जो हमारे लैंड है अर्थ पे पूरा जो है वो जो प्लांट्स हैं वो 43% है, ठीक है। 27% माउंटेन्स हैं, जो प्लेट्यूज हैं वो 30% है और माउंटेन्स जो है वो 27%, ठीक है। इन तीनों को सम करने पर 100% हो जाएगा, मतलब अर्थ उस पर 43% प्लांट्स हैं मतलब फॉरेस्ट हैं, 30% माउंटेन्स हैं और 27% प्लेट्यूज हैं जिन पर हम रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पोजेज, मतलब जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लैंड रिसोर्सेज हैं उन पर फॉरेस्ट टिके हुए हैं, मतलब जो फॉरेस्ट हैं तो वो फॉरेस्ट जो है वो लैंड पर ही मौजूद हैं और जो लैंड्स हैं नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, मतलब जिन लैंड्स पर जो फॉरेस्ट हैं तो वहाँ जब जिस लैंड पर जब फॉरेस्ट प्रेजेंट होगा तो उस पर तो हम खेती कर नहीं सकते, फॉरेस्ट को डिप्लेट कर फॉरेस्ट का जब डिप्लेशन होगा तभी हम उसको कल्टिवेट करके उस पर कल्टिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है वो है बैरन एंड वेस्टलैंड, मतलब वो क्या बोलते हैं परती क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जिस पर कल्टिवेशन नहीं किया जा सकता और वो उसका कोई यूज़ नहीं है तो वहाँ पर हम घर बना सकते हैं, ठीक है, मकान बना के हम उसमें रह सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब जो लैंड है उसको हम नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो कृषि से संबंधित ना होकर और भी हम उस पर जो यूज हम उसको कर सकते हैं, जैसे कि हम उस पर बिल्डिंग्स रोड्स और फैक्ट्रीज वगैरह बना सकते हैं। और दूसरे भी जो लैंड्स हैं जिन पर एग्रीकल्चर नहीं होता उनके और भी यूज़ हैं, जैसे कि फैलो लैंड मतलब चरवाही के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब उसको हम ग्रेजिंग के लिए मतलब वही चरवाही के लिए पशुओं के चरवाही के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रो नॉट इंक्लूडेड इन नॉट से एरिया, और जो लैंड है उन पर हम जो ट्री हैं मतलब पेड़ों की बुआई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है कल्चरल लेबर वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब वे लैंड से जैसे कोई लैंड है तो उस पर हम हमेशा लगातार उस पर खेती करते नहीं रह सकते, मतलब जो लैंड है जब उसका फर्टिलिटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो हम उसे एक साल तक जो है उसे बिना बोए छोड़ देंगे तो फिर जो नेक्स्ट ईयर से जो उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तब उस पर जो क्रॉप्स होंगे वो अच्छे से ग्रो होंगे। तो उनको जो लैंड्स हैं उनकी फर्टिलिटी लेवल को बढ़ाने के लिए जब उनको लेफ्ट छोड़ा जाता है तो वो भी हमारे लिए जो है वो उस टाइम अनयूजेबल लैंड्स ही होते हैं, ठीक है, उनको हम फैलो लैंड्स बोलते हैं।
और फिर नेक्स्ट जो हमारा वो है करंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। करंट फेलो मतलब करंट फेलो वो होते हैं जो मतलब अभी पिछले एक साल से कुछ महीनों से या एक साल से जब उन्हें उनके फर्टिलिटी लेवल को बढ़ाने के लिए उस पर जब बुआई नहीं की जाती है तो उसे हम करंट फेलो लैंड बोलते हैं, ठीक है। और अदर देन करंट फेलो मतलब करंट फेलो अदर देन करंट फेलो हम उसे तब बोलते हैं जब उसे एक साल से अधिक तक के लिए जब उसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। इस ऐसे ज़मीन को हम हिंदी में ऐसे परती ज़मीन बोलते हैं, ठीक है। उसको 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ा जाता है ताकि जो उसका जो उसकी जो फर्टिलिटी लेवल है वो इन्हेंस हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। मतलब कुछ ऐसे लैंड्स भी होते हैं जिन पर हम एक साल में दो दो बार बुआई करते हैं, एक साल में मतलब एक से ज़्यादा बार उस पर बुआई करते हैं, तो उस उन ऐसे एरियाज को हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिन पर एक साल में एक से अधिक बुआई एक से अधिक फसलों की बुआई की जाती हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है लैंड पैटर्न यूज इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है वो ग्राफ है, इसे आप एनसीईआरटी के बुक से इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिए हुए कि जो फॉरेस्ट है वो 18.11% प्रेजेंट है, जो बैरन वेस्ट लैंड प्रेजेंट है वो 12.1% है, 12.01 जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज मतलब ऐसे एरिया जिन पर कृषि नहीं की जाती उनको अलग फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एसेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है वो 4.95% यूज़ है प्रेजेंट है, और जो हमेशा ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो 4.71% प्रेजेंट है, और जो इतने परसेंटेज प्रेजेंट है, और जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब ऐसे लैंड जिन पर हम एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन उनको फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जब उनको ऐसे खाली छोड़ा जाता है वो 1.50% प्रेजेंट है, ठीक है। और जो फैलो अदर देन करंट फैलो मतलब जिनको एक से अधिक सालों से उनको खाली छोड़ा गया है वो 3.50% प्रेजेंट है, और नेट सोन एरिया मतलब प्रेजेंट में जितने जो एरिया है लैंड है जिन पर एग्रीकल्चर की बुआई की जा चुकी है वो 3.73% प्रेजेंट है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो जो टोटल जियोग्राफी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQs टाइप में अभी आ सकते हैं और इसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम में बोल सकते हैं 30,66,323 किलोमीटर। इतना जो 30,66,323 किलोमीटर एरिया जो है इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। और लैंड यूज डाटा हाउ वेयर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%, जो हम लैंड जो है वो हम किस किस कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जो 93% डाटा ही हमारे पास प्रेजेंट है, और जो 7% हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं उसको आज तक मेजर नहीं किया जा चुका है, ठीक है ना। क्योंकि जो लैंड का जो मेजरमेंट है वो असम में कम्प्लीटली तरीके से नहीं किया जा चुका है, और जो जम्मू और कश्मीर के कुछ एरिया हैं वो पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान और चाइना के द्वारा भी ऑक्युपाइड है, जो POK है हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उस एरिया को भी सर्वे में नहीं लिया गया है क्योंकि वहाँ पर वार होते रहता है और वो इधर उधर बढ़ते रहता है, कभी कभी जो POK है वो कभी इंडिया में आता है कभी पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा जो है वो है द लैंड परमानेंट पास्चराइज ऑल्सो डिक्रीज, और ऐसे लैंड जो हमेशा के लिए जो चरवाही के लिए यूज होते हैं वो भी घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब जो फेलो लैंड है हमारा जो कि उसके जो लैंड के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए छोड़ा गया रहता है एक से कम सालों के लिए, उसको भी मतलब जो उन्हें हम फेलो लैंड कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, यानी एक या एक से अधिक सालों के लिए ऐसे खाली छोड़ा गया रहता है उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उन्हें हम फेलो लैंड बोलते हैं। और जो नेट सोन एरिया टोटल उस एरिया को बोलते हैं जिन पर फसलों की बुआई जो है वो की जा चुकी है प्रत्येक साल में, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा जो बुआई होती है वो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया होती है, मतलब सबसे ज़्यादा फसलों की बुआई जो ज़मीन पर होती है वो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में होती है, ठीक है। और लेस नेट सोन एरिया जो मतलब सबसे कम फसलों की बुआई जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में होती है, ठीक है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो भारत में 1952 में इसको स्थापित किया गया था। और जो वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी एरिड रिजर्व एरिया एंड लेट पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। मतलब जो रॉकी एरियाज, एरिड और डिजर्ट, रॉकी मतलब जो पथरीले जो चट्टानी एरिया हैं, सूखे और मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं, उन एरियाज को जो है हम वेस्ट लैंड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उस पर हम कोई यूज़ नहीं कर सकते, उनका कोई हम यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि उन पर कभी कभी जो रोड्स और रेलवेज हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं इनका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। और जो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट. कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड, जो लैंड होते हैं उनका लंबे समय के लिए जब उनका यूज किया जाता है लगातार बिना किसी उस मतलब उसके फर्टिलिटी वैल्यू का बिना मेजर किए, तो वो भी जो है वो भी वो जो लैंड होता है वो डिप्लेट हो जाता है, मतलब जो वो उसको फिर वो फिर एग्रीकल्चर के यूज़ के लायक नहीं रह जाता. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. मतलब जो डिग्रेडेशन मतलब कि अब हम उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसको चलिए पढ़ते हैं कि एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 113 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. मतलब वर्तमान में जो इंडिया है, भारत में जो 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है. ठीक है, और जो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग और एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन. मतलब जो ह्यूमन की कुछ एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी जो फॉरेस्ट हैं उनकी कटाई, ओवर ग्रेजिंग मतलब अति पशुचारण, माइनिंग यानी जो मिनरल्स हैं उनकी खुदाई, और इन सब की वजह से जो लैंड्स हैं उनका डिग्रेडेशन बहुत ही अधिक पैमाने पर हो रहा है. ठीक है, और कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर भी ओवर ग्रेजिंग के कारण जो बहुत सारे लैंड्स हैं वो डिग्रेड हो चुके हैं. तो फाइनली हमने यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.